नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक, और आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है अभी तक की, वो आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है, जहां पर हालत बच्चों की लगातार बिगड़ती जा रही है। 80 तक आंकड़ा पहुंच चुका है चमकी बुखार की वजह से। और आपको बता दें कि केंद्र की भी नजर इस पर बनी हुई है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पटना जब पहुंचे, हालांकि वो जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, लेकिन पटना पहुंचने पर उनको काले झंडे दिखाए गए। पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको काले झंडे दिखाए। फिलहाल आपको ये बता दें कि 80 तक पहुंच चुका है आंकड़ा, और काले झंडे दिखाए गए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पटना जब वो पहुंचे। विरोध में काले झंडे दिखाए गए, वहां पर डॉक्टरों की टीम तैयार है, डॉक्टरों की टीम वहां पर मौजूद है। एम्स से भी, दिल्ली एम्स से भी डॉक्टरों की टीम को वहां पर भेजा गया हालात का जायजा लेने के लिए। खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही क्षणों में मुजफ्फरपुर, लेकिन उससे पहले जब वो पटना पहुंचे तो वहां पर उनको काले झंडे दिखाए गए। ये तस्वीरें पटना की, जहां पर नाराजगी लोगों की सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों ही के खिलाफ नाराजगी है लोगों की। और ये नाराजगी साफ तौर पर सड़कों पर भी नजर आई, क्योंकि काले झंडे दिखाए गए उस वक्त जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जायजा लेने के लिए जा रहे थे मुजफ्फरपुर। पटना पहुंचने पर उनको काले झंडे दिखाए गए, नाराजगी लोगों की। तीन तस्वीरें किस तरीके से बच्चों की लगातार मौत हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ काले झंडे दिखाए गए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को, और परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। परिजन अपने लाडलों के लिए तड़प रहे हैं, कोई बीमार बच्चे को सकुशल घर ले जाना चाहता है, तो जिनके बच्चों की जिंदगी छीनी गई है वो नाराज है, रोते बिलखते परिजन। सरकार लाचार नजर आ रही है। परसों रात में दिन भर ठीक रहे, 10 बजे के बाद में हाथ को टाइट कर लग, और बाद में आवे टाइम लगी तो 12 बजे रात के बुलेरो भरा करके यहाँ भर्ती कर ली, मैंने केजरीवाल में से कल रेफर कर 8 बजे मेडिकल में। व्यवस्था यहाँ कैसा है इलाज हॉस्पिटल का, अंदर का कहाँ व्यवस्था से सर टंच है, व्यवस्था टंच रहता पर बच्ची मतलब टूटी ऐसे खाते डेटे कर देता, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हाँ, अंदर में है, आईसीयू रूम में है। क्या स्थिति है वहाँ पे, क्या व्यवस्था क्या है? व्यवस्था तुच्छ नहीं है सर, डॉक्टर सब तो बोलते हैं तो सुनवाई नहीं लेता, बच्चा सब दिन पर दिन देख तो जा रहा है सर, हर घंटे में बच्चा जा रहा है। अभी आप देख कर आए हैं? हाँ, देखते आ रहे हैं। कितने बच्चे वहाँ पे? वहाँ पर 3-4 बच्ची है देख कर चुके। हाँ, और आप रात को यहीं पर थे? हाँ, हम रात में थे, ये ड्यूटी पे डॉक्टर थे तो 12 बजे के बाद तो डॉक्टर नहीं है सर, 12 बजे के बाद कोई डॉक्टर तो डॉक्टर नहीं है, केवल नर्स लोग। हाँ, सिर्फ नर्स है। बिहार से एक और खबर है, जहां पर मौसम और मौत का डबल अटैक है। मुजफ्फरपुर में बच्चे मर रहे हैं, तो वहीं लू की गर्म हवाओं की वजह से पूरे बिहार में 37 लोगों की मौत की खबर आई है। अकेले गया और औरंगाबाद में ही 25 लोगों की जान चली गई। कल पटना का तापमान 45 के पार पहुंच गया था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में गर्म लू के थपेड़े और कहर बरपाएंगे, और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। भाग्य से बड़े दुख की बात है, मैं इस बात पर बड़ी तकलीफ हूँ, हीट स्ट्रोक के कारण लोगों के प्राण चले गए। तो लोगों को यही एडवाइस है कि भाई, और खासकर जो ये जो हीट स्ट्रोक है, या तो एक्सट्रीम ऑफ एज होता है, या तो बहुत छोटे को प्रभावित करेगा या बहुत बड़े को प्रभावित करेगा, भाई उम्र के लोग को बाहर जो है थोड़ा सा अवॉइड करना है अभी जब तक कि मौसम थोड़ा ज़्यादा है। अभी जैसे बताया गया कि यहाँ कल पटना में वाटर्स डे था, पता नहीं कितने सालों का, तो ऐसे में जितना हम अवॉइड कर सकते हैं बाहर एक्सपोजर जो है, क्योंकि यूज टू अगर नहीं है लोग उस टेम्परेचर के ऊपर रहने के लिए, तो उसको अवॉइड करना, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है छाया में और ठंडे एटमोसफेयर में। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ये भी बता रहे थे, हालांकि आपको ये बताएं कि चमकी बुखार की वजह से जो लोग पीड़ित हैं, बच्चे पीड़ित हैं, उनका हालचाल जानने के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ ही स्ट्रोक की वजह से भी बिहार में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और इसी को लेकर हिदायत भी वो दे रहे थे। इस बीच पश्चिम बंगाल से खबर आपको बता दें, जहां पर डॉक्टर हड़ताल में, लेकिन खबर वहां से ये आ रही है कि ममता सरकार तैयार हो गई है डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए, लेकिन खबर ये भी है कि जगह और वक्त के बारे में अभी तक कुछ तय नहीं है। ममता से बातचीत करने पर डॉक्टर करेंगे फैसला। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ममता सरकार से बातचीत तो करेंगे, लेकिन जगह कौन सी होगी, वक्त कौन सा होगा, ये डॉक्टर ही बताएंगे। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अगर डॉक्टर उनसे बातचीत नहीं करना चाहते तो राज्यपाल से जाकर बातचीत कर ले।
मनोज्ञा इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि आज डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो जाएगी, क्योंकि बातचीत का रास्ता निकलता नजर आ रहा है, लेकिन वक्त और जगह अभी तक क्लियर नहीं है। क्या तस्वीर बन रही है वहां पर? बिल्कुल, आज करीब 10 बजे के बाद से मीटिंग शुरू होनी है डॉक्टरों की। जो सारे जूनियर डॉक्टर हैं, जो ज्यादातर मेडिकल स्टाफ होते हैं, ट्रेनीज होते हैं, नर्सेज होते हैं, जो जूनियर स्टाफ होते हैं, वो आज फैसला लेंगे कि आखिरकार वो राज्यपाल से मिलेंगे या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जगह भी वो तय करेंगे, समय भी वो तय करेंगे, और आज की तारीख में ये करने की कोशिश की जा रही है। मान लीजिए 100 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और उसके साथ साथ मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है अस्पतालों में। कई ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल आ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिला में अगर डॉक्टर को रेफर कर रहे हैं उनको कोलकाता, तो वो कोलकाता इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें पता है कि कोलकाता, और अभी जो कतार लगी हुई है मरीजों की, ये वेटिंग रूम है जहां पर पिछले कई दिनों से सिर्फ संख्या बढ़ रही है मरीजों की और डॉक्टर्स नहीं है। ऐसे में जो मरीजों को समस्या हो रही है उस पर भी ध्यान देना जरूरी हो चुका है। 100 घंटे से ज्यादा डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है। SSKM, NRS, बाकी सब में कुछ जगहों पर सिर्फ इमरजेंसी चालू है, बाकी जगह OPD और सारे अस्पताल में नजर बना रखे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज कम से कम डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होगी, इस पर रहेगी नजर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। राम मंदिर को लेकर सियासत गरमा रही, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए अपने जीते हुए सांसदों के साथ। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि खबर यही आई थी कि उद्धव ठाकरे आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर जाएंगे, लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि संतू ने भी एक साल का अल्टीमेटम दे दिया है मंदिर को लेकर। तो अयोध्या पहुंचे हैं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने तमाम सांसदों के साथ, रामलला के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे। तो तस्वीरें उस वक्त की। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।